टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मोदी सरकार जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद शहीद करी जिंदाबाद सरकार आगे बढ़ो अरे मोदी शाह मुर्दाबाद मोदी शाह मुर्दाबाद भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिला। ठाणे शहर में भी कामगार संगठन वंचित बहुजन एनसीपी और भारतीय जय हिंद पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ठाणे शहर में किसानों के समर्थन में आंदोलन। भारतीय जय हिंद पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मोदी सरकार विरोधी नारे लगाए गए। आंदोलनकारी रोड पर गाड़ियों के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं एनसीपी पार्टी के आनंद परांजपे और तमाम कार्यकर्ता भी ट्रैक्टर पर आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। वहीं देखा गया कि आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में कंधों पर हल लेकर भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वंचित बहुजन ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कई महीनों से कृषि कानून के खिलाफ विरोध हो रहा है। रेलवे पटरी से लेकर सड़क पर किसान दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं। यहां तक कि पूरा देश किसानों के समर्थन में आज भारत बंद रखा। देश का एक एक बच्चा किसानों के साथ आज खड़ा हुआ नजर आया और आंदोलनकारी आज आंदोलन के दौरान हिरासत में भी लिए गए, मगर ये सरकार बिल्कुल खामोश है। जहाँ किसान इस कानून के विरोध में है, तो वहीं सरकार और कुछ गोदी मीडिया इसे किसान के हित में बता रही है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोदी सरकार और कुछ गोदी मीडिया CAA NPR के फायदे बता रही थी, मगर इस देश के लोग जागरूक हो चुके हैं और न ही गोदी मीडिया के बहकावे में आ रहे हैं और न ही सरकार के फायदे बताने से मान रहे हैं। देश की जनता अच्छा बुरा अब खुद समझने लगी है, इसीलिए देश की जनता अपना फैसला खुद ले रही है। इसीलिए सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं और इस आंदोलन से गोदी मीडिया को भी भगाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी भी होंगी। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में भी किसानों के समर्थन में जोरदार आंदोलन हुआ। शहर में पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात की गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए किस तरह से ठाणे शहर में राजनीतिक पार्टी और कई संगठनों ने आज भारत बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से मांग की कृषि कानून वापस लिया जाए। आंदोलनाची भूमिका होती पोलीस आणि पूरा ताब्यात। या केंद्र सरकारने जो शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये कायदा बनवलेला आहे, हा कायदा केंद्र सरकारने रद्द करावा आणि तमाम जनतेने या भारत सरकारला जाहीर निषेध करावा आणि भारत बंदला सहकार्य असावा, यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचं आज आंदोलन संपूर्ण भारतामध्ये चालू आहे, ठाणे जिल्ह्यामध्ये पण चालू आहे। काय सांगाल जर आंदोलन कायदे मागे नाही घेतले तर पूर्ण कसं पावलं? हा आंदोलन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल बाळासाहेबांच्या आदेशानुसार। कॉपी जलाने की कोशिश की, फाड़ दी, पुलिस बीच में आई, तो भी पुलिस से हमारी विनंती है कि हम किसानों के लिए रस्ते पे उतरे हैं।